हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं कपड़े फैला रही हूँ, जो ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा होगा। मौसम बड़ा अच्छा था उस दिन, खूब अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। तो अद्वी का जो पैडलिंग पूल था, हमने वो भी निकाल दिया, इवन दो काफ़ी छोटा हो गया उसके लिए। एक्चुअली हमने बड़ा फैमिली साइज़ वाला भी लिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ का जो बेस है हमारे गार्डन का, वो काफ़ी कोर्स है, तो उसमें बस्ट हो गया। उसके बाद फिर हमने बाय नहीं किया। लाइक फिर वो ये कि बड़ा सा एक कारपेट लेना पड़ेगा, तो विल सी के कभी अपना घर हुआ तो देन विल डू देयर। तो यहाँ पर ये अद्वी का है, उसमें वो आराम से खेली है। एंड यू वॉन्ट बिलीव के सिर्फ वो एक दो घंटा यहाँ पर थी और तेज़ धूप थी अच्छी खासी, और इतनी ज़्यादा वो टैन हो गई थी ना। तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी अपने नए चैनल बी चार्मर पे, जिसमें आप टेन रिमूव कर सकते हैं, जो कि आप बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज़ सो ईजी। तो चलिए, मेरा वो काम तो निबट गया, इसके बाद आपको दिखाते हैं अपना आज नया फिश टैंक, हमारे घर का एक नया एडिशनल थिंग। तो होली जो है, हमारी जो येलो वाली फिश है, वो थोड़ी सी बड़ी मुझे लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद उस छोटे वाले फिश टैंक में वो कॉम्पैक्ट हो रही, उसके फिन्स काफ़ी बड़े हो रहे थे। तो फिर हमने ये वाला फ़िश टैंक लिया। एक्चुअली ये हमने बाय नहीं किया है, ये हमको आकांक्षा और बेन ने दिया है, उनके पास रखा हुआ था। एज़ यू ऑल नो, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, बेन बहुत बड़ा फ़ैन है फिशेस का, उनके घर में बहुत बड़ा फ़िश टैंक है। जब उसने अभी नई फ़िशेस ली थी, तो उसने हिंदी में वीडियो बना के भी मुझे भेजा था, वो मैंने अपने चैनल पर डाला था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना। तो उनके पास था ये बड़े वाला फ़िश टैंक, तो वो लोग लेकर आए थे। तो आज हमने जो हमारी फिशेज हैं, वो इस बड़े फिश टैंक में ट्रांसफ़र कर दी हैं, और ये और भी ज़्यादा सुंदर है। जो हमारा पहला था, उससे डबल कैपेसिटी है इसकी, एंड इट इज़ गुड। एंड इवन इसके अंदर हीटर भी, अगर हम चाहें तो ट्रॉपिकल फिश भी ला सकते हैं, लाइक हम दो फिश टैंक अब रख सकते हैं, बट फॉर टाइम बींग इट्स फाइन। और जो गोल्ड फिश होती हैं, कोल्ड वाटर फिश हैं, तो इनमें नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर जाता है, आपको कुछ भी हीटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो होली और रेनबो इतनी ज़्यादा खुश थी उस दिन ना, तो उनको ज़्यादा स्पेस मिल रहा था। आई एम सो हैप्पी। तो नया फिश टैंक लग गया है, इसके बाद मैं नहा धो के जो है आ गई हूँ नीचे, और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सा साग और रोटी। और जो ये वाली वीडियो है, ये सावन शुरू होने से पहले की है, एज़ यू नो कि हाँ, मैं अपने प्रोजेक्ट्स पहले से तैयार करके रखती हूँ, तो ये उससे पहले की है। इसके बाद की जितनी भी वीडियोज़ आएंगी, वो सारी सावन की ही आएंगी, बट ये सावन से पहले की है। तो यहाँ पर हम आज साग बनाएंगे, और आज मैं अपनी मदर इन लॉ के स्टाइल में मक्का की रोटी बनाने वाली हूँ। मैं हमेशा यही बोलती थी कि मैं नहीं बना पाऊँगी, बट आई मेड टुडे। तो चलिए पहले साग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने घी डाल के चारों तरफ हिला लिया है, ताकि ये चारों तरफ कोट हो जाए और ये एज ए नॉन स्टिक बेस काम करे। इसके बाद मेरे पास पालक है यहाँ पर, और ये अच्छा खासा बंच है एक, जो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और उसके बाद मैंने उसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। यहाँ पर है एक मीडियम साइज़ की ब्रोकली, जिसके मैंने फ्लोरेट्स निकाल लिए थे, अच्छे से वॉश कर लिया है, वो मैंने ऐड कर दी है। इसके बाद एक बंच मैंने यहाँ पर मेथी का लिया, फ्रोज़न मेथी, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, एक बंच लेना है। इसके बाद हमें इसके अंदर मूली ऐड करनी है, रेडिश, मेरे पास ये रेड वाली छोटी है, तो मैं वो 5-6 ऐड यहाँ कर रही हूँ यहाँ पर। और जो ये साग है, ये ओवरऑल आपको जैसे सरसों का आप साग बनाते हैं ना, वो वाला टेस्ट आपको देगा। इसके बाद धनिया है काफ़ी सारा, तो धनिए को भी मैंने ऐसे ही रफली चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। बेसिकली सारी चीज़ें आपको बस ऐसे ही डाल देनी है, कुक कर लेनी है, और बाद में आपको इनको पीस लेना है, लाइक घोट लेना है, मिक्सी में नहीं पीसना है। यहाँ पर प्याज है एक मीडियम साइज़ की, वो भी मैंने थिनली स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, आप चाहें तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक भी डाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ जब इस तरह से साग बनता है, तो उस टाइम पर जिंजर गार्लिक नहीं डालते हैं। जब साग जैसे बच जाता है और यह बासी खाया जाता है, तब उसमें
लहसुन का तड़का लगाया जाता है, लेकिन जो फ्रेशली होता है उसमें नहीं डालते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक टमाटर जो है वो भी डाल दिया है, और इसको बस आपको हल्के से हिला देना है। हरी मिर्चें डाल लें, सॉल्ट डाल लें टेस्ट के हिसाब से, और बस ज़रा सा मैंने यहाँ पर पानी डाला है जो इसको थोड़ा सा हेल्प करेगा। और इसके बाद हमें इसकी लिड लगा देनी है और उसको हमें पकने देना है, दो विसल में डन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है मक्का का आटा और होगा लगभग 1.5 कप के करीब। इसके बाद मैंने इसमें उबलता हुआ बिल्कुल गर्म पानी डाल दिया है और स्पून से मैं इसको हिला रही हूँ। मैं हमेशा जो है वो गेहूं का आटा मिला के बनाती थी, मुझे डर रहता था कि कहीं मेरी रोटियाँ टूट ना जाए। मैं यही बोलती थी हमेशा कि मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी बनाती है और मैं नहीं सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उन्हीं के हाथ की बहुत पसंद आती हैं। बट इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम और हस्बैंड को बहुत क्रेविंग हो रही थी कि ऐसी रोटियां खानी है, तो आई थॉट कि आज तो मुझे बनानी ही है मम्मी के जैसी। तो मैं बिल्कुल उसी तरह फॉलो कर रही हूँ, वो साथ के साथ हाथ से मसल के गरम गरम पानी से वो आटा बनाती हैं, बट मैं उतनी हीट नहीं बियर कर पाती, उनको आदत है। तो मैंने इसको स्पून से ही जो है वो मिक्स किया है और ये हल्का सा जो है वो ठंडा हुआ है। मैं इसको 2-4 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी ताकि वो थोड़ा सा पानी उसका ठंडा हो जाए, मैं उसको हाथ से मसल सकूं और उससे बहुत अच्छी बनती है। मीनवाइल यहाँ पर हम आज थोड़ा सा मीठा भी बना लेते हैं जो शुगर फ्री बनेगा। तो यहाँ पर मैंने डेट्स लिए हैं, खजूरें जिनके मैंने बीज निकाल लिए हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने घी लिया है। उसमें हम इनको हल्का सा सॉटे करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पकाना इनको मकसद है। और जो ये डेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर, और अब इस पानी के साथ हम इसको पकाएंगे जब तक कि हमारी जो डेट्स हैं बिल्कुल अच्छे से मशीना हो जाए। तो इसको मैंने कवर करके रख दिया था 2-3 मिनट के लिए, और 2-3 मिनट में आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से ये मैश हो रही है, जैसे आप स्पैचुला से इसको दबा के देखेंगे। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, या शुगर अवॉइड कर रहे हैं, वो लोग इसको बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत उम्दा रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप शुगर नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर है ये पनीर, घर का बना हुआ फ्रेश होममेड पनीर, और बिल्कुल थोड़ा सा ही है, लाइक 1/4 कप के करीब ही होगा। तो वो पनीर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको मैश करना है, मिक्स करना है अच्छे से। काइंड ऑफ ये छेना की खीर बन रही है, जैसे कि बंगाल में बनती है, लाइक वो डिफरेंट रेसिपी है, बट ये भी एक तरह से छेना की खीर है जिसमें आप शुगर नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ इसके अंदर जो मिठास होगी वो खजूरों की होगी। तो थोड़ा सा मैंने इसको ढक के पकाया ताकि इन दोनों का फ्लेवर जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से जज हो जाए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद एक बार अच्छे से और इसको आप मिक्स कर दें, और फिर इसके अंदर आपको मिल्क ऐड कर देना है। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा आलमंड पाउडर, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। तो बादाम को पीस के आप डालें, या फिर आप जो है इसके बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, जैसा आपका मन हो। मेरे पास पाउडर रखा था तो इसलिए मैंने बस वो डाल दिया है। तो 2 चम्मच के करीब ही डाला है, चाहे तो आप और किसी भी नट्स का डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर दूध ऐड कर दें, जितनी आपको थिक थिन रखनी है उस हिसाब से। मैंने लगभग 2 कप के करीब यहाँ पर दूध ऐड किया है। इसके बाद चला दें ताकि कोई लंप ना रह जाए, और बस ये डन हो जाएगी। लाइक हार्डली इसको बनने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, और बहुत टेस्टी आपकी ये छेना की खीर तैयार हो जाती है। तो बस एक बॉयल आप लगा लें, ये उसी में डन हो जाती है। बट चाहे तो इसको आप काफ़ी देर तक और ज़्यादा खौला सकते हैं। लाइक खीर को जितना ज़्यादा आप काढ़ें, जितना ज़्यादा आप बॉयल करें उसके अंदर, उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। बट 1-2 बॉयल के बाद भी खीर जो है हमारी मस्त हो ही जाती है, सो डोंट वरी। तो उधर मैंने सिंपे करके 2 मिनट के लिए खीर को छोड़ दिया। इधर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि सब्जियों के क्या हालात है। तो ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। अब क्या करना है, अब आपको इसको मैश करना है। बेटर तो ये है कि आपके पास हैंड ब्लेंडर होना चाहिए, मेरे पास नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें लेती हूँ, बट आई डोंट नो क्यों मैं उस 5 पाउंड की चीज़ को कभी खरीद नहीं पाती हूँ। तो मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, तो आप मिक्सी में तो इसको ना करें बिल्कुल भी। आप इसकी घुटाई करें जिस तरह से मैं करने वाली हूँ, जो काफ़ी मेहनत भरा काम है। तो मैं कुछ देर खुद करूँगी, कुछ देर फिर साहब को बुला के उनको दूंगी, वो करेंगे आके। तो बहुत मेहनत लगती है, बट अगर हैंड ब्लेंडर हो तो बहुत ईजीली हो जाता है। बट इसमें टेक्स्चर मस्त आता है, वो बिल्कुल ऐसा आता है जैसे हांडी में घुटाई करके साग बनाया हो।
तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार खीर को। तो खीर हमारी 2 मिनट से बिल्कुल अच्छे से पक रही है और ये बिल्कुल डन हो चुकी है। फाइनली इसमें अच्छे से खुशबू देने के लिए आप थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दें एंड दैट्स डन। बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर और पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पर मैंने अब साहब को दे दिया है ये मेहनत का काम और वो घुटाई कर रहे हैं साग की जब तक वो अच्छे से मैश ना हो जाए। और उन्होंने घुटाई इतनी नहीं करी है जितना उन्होंने चारों तरफ छींटे मारे हैं। खैर कोई बात नहीं, घुटाई भी कर ही दी थी, झूठ बोल रही हूँ मैं, घुटाई कर दी थी उन्होंने। बैक टू डो। तो ये जो हमारा मक्का का आटा है इसको हमें मसल मसल के बहुत अच्छे से चिकना करना है जब तक कि ये आपके हाथों को ये बिल्कुल सॉफ्ट ना लगने लगे, जब तक आपको ना महसूस हो कि इसके अंदर ग्लूटेन आ गया है। और बहुत अच्छे से आपको मसलना है और लगभग 5 मिनट तक आपको इसको मसलना है तोड़ तोड़ कर हाथों से। तो ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो गया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ के पहली बार मक्की की रोटी मैंने बिना गेहूं के आटे को मिलाए बनाई है। मैं हमेशा वही मिलाती थी और जो इनका टेस्ट है ना उस टेस्ट में डिफरेंस है, बट मैं डरती थी हमेशा कि नहीं मैं नहीं बना पाऊंगी, बट टुडे आई डिड इट। और यहाँ पर हमारा जो साग है उसकी घुटाई बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है और इसका टेक्सचर बिल्कुल वही है जैसे पुराने टाइम में दादी घोटने से हांडी को घोट घोट के बनाती थी। सो टेस्टी। इसके बाद आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें। मैंने पहले सॉल्ट ऐड नहीं किया था, आपको बता दिया था, आप चाहे तो तब ऐड कर दें चाहे तो अब ऐड कर दें, मर्जी है आपकी। तो मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाले हैं और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें आप। और अब हमें क्या डालना है, इसके अंदर डालना है आलन। इसको आलन बोला जाता है, बेसिकली गेहूं का आटा है या फिर मक्के का आप ले तो वो आपको इसके अंदर डालना है। तो जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वो आटा एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ ही जो मेथी होती है वो थोड़ी सी कड़वी होती है, तो उसकी कड़वाहट को भगाने के लिए ये आलन डाला जाता है। कुछ लोग पानी में घोल कर थोड़ा सा और तब डालते हैं, कुछ लोग इस तरह से, मेरी तरह जो जिनको काम की जल्दी होती है वो इस तरह से डाल देते हैं, तो मैंने इस तरीके से डाल दिया है। इससे मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि साग बिल्कुल थिक बनता है, कि अगर आप रोटी के ऊपर भी साग रख के खाएं ना तो वो मस्त लगता है, वो जाता नहीं है। तो उधर साग हमारा एक्चुअली सारा डन हो चुका है और यहाँ पर बस हम तड़का लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम ऑयल और घी में ये बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया, उसमें हींग डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी सी राई डाल दी है। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी बस इस तड़के को उठाना है और हमें साग के अंदर डाल देना है। रेड चिली डाल लें, कलर के हिसाब से अच्छी लगती है ऊपर डली हुई, फ्लैशी सा लगता है आपका साग। और जब ये साग आपका आज बच जाएगा ना खाने के बाद, उसके बाद शाम को इसमें आप लहसुन और अदरक का जो है वो आप तड़का लगाइएगा, तब ये और भी ज़बरदस्त लगेगा। तो साग हमारा तैयार हो गया है और अब हम बनाते हैं यहाँ पर मक्की की रोटी, जिसको बनाते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो मैंने पहले इसको जो है वो हाथ से ही फैलाया है और इसके बाद मैंने इसको बेलन से किया है। मेरी मदर इन लॉ वो पानी का हाथ लगाकर, वो सूखा आटा नहीं लगाती हैं, वो पानी का हाथ लगा कर वो रोटी जो है वो हाथ से ही बढ़ाती हैं, वो बेलन और चकले का यूज़ नहीं करती हैं। बट मुझसे हाथ से रोटी बनानी नहीं आती है तो मैं तो यहाँ पर सूखा आटा ही लगा रही हूँ। बट इस रोटी का टेस्ट बिल्कुल वही था और वो मोटी मोटी बनाती हैं, बट पता नहीं क्यों मेरा हाथ चलता नहीं है ज़्यादा, मोटी रोटियों के ऊपर पतली हो ही जाती है कितनी कोशिश करूं। तो एक रोटी मेरी बन गई है और दूसरी भी मैं आपको यहाँ पे बेल के दिखा रही हूँ। किनारे थोड़े फटे फटे रहते हैं बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट बनती बड़ी मज़ेदार है। इसके बाद बस जैसे नॉर्मल रोटी सेकी जाती है बिल्कुल उसी तरीके से आपको सेकनी है। सिकने में थोड़ा सा टाइम इसको लगता है, हीट पे आपको ज़्यादा देर तक रखनी पड़ती है तभी ब्राउन स्पॉट्स आते हैं। चूल्हे पे जब आप बनाते हैं तो कोयलों के ऊपर, जब अंगारे के ऊपर आप डालें तो वो बहुत अच्छे सी ब्राउन चित्ती आती हैं, बट कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ता ही है। तो हमारी रोटी भी खैर अच्छी ही बन गई है। तो बस इसी तरीके से मैं सारी की सारी मक्की की रोटी यहाँ पे बना के तैयार कर लूँगी एंड दिस इज़ 1 स्ट्रेच वॉइस ओवर टुडे, अब तक ब्रेक नहीं लिया है। तो चलिए नाउ आई एम गोना टेक ब्रेक और आप इन्जॉय करें ये रोटियों की क्लिप जहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ।
ये है हमारी आज की लंच थाली जो बिल्कुल गांव स्टाइल में है। यहाँ पर है हमारा साग जो जुगाड़ करके बनाया गया है, थोड़ा सा बटर उसमें डाल दिया गया है, साथ ही है छाछ, गुड़ और मक्के की रोटी, टोटल गांव के स्टाइल में। आई एम श्योर आज मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी, मेरी मदर इन लॉ, कि आज मैंने उनके बेटे को उनके स्टाइल में रोटियां बना के खिलाई हैं। ट्राई ज़रूर करना, जब सरसों अवेलेबल नहीं होती है तब आप इस तरीके से सरसों के साग का टेस्ट ले सकते हैं। और ये है हमारी खीर, इसको कैसे भूल सकते हैं। तो खाने के बाद मुँह तो मीठा किया ही जाता है, हालाँकि गुड़ भी था लेकिन खीर की बात अलग है। बाद में ठंडी ठंडी ये जो खीर है आप इसको इंजॉय करें। और यहाँ पर होली और रेनबो एंजॉय कर रही हैं तो मैं उनकी क्लिप ये फाइनली ऐड कर रही हूँ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं दीपिका आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।